ऑर्गेनाइज करूँ, एक ऑर्चिड बनाऊँ या कुछ और करूँ, उसके लिए हमें स्कीम्स है। जैसे है कोई नहीं है वहाँ पे भी हैंडीक्राफ्ट होंगे, आप देखते होंगे। तो देखो ना वो सो मच रिचनेस जो बता रहे हैं ना, आई वॉज वंस अ मेंबर इन दिस कमेटी, देयर इज नो फेवरेटिज्म एट ऑल। रोल इज नॉट टू सिट इन द ऑफिस, यू हैव टू जस्ट ग्लाइड इनटू द फील्ड, अप्रेज द पीपल दैट दे अदरवाइज यू आर रेजिंग द इशू। बट वहां पे ये व्हाट टू हिम, ही इज नॉट गोइंग टू रिजॉल्व योर इशू एट एंड, ही इज नॉट दिस पर्सन एक्चुअली हु इज डूइंग इट। देयर माइंड कैन बी यू नो 75% हम कहेंगे मुफस्सल ये स्कीमें थी और हम एक बनाएंगे, दे विल अवेल बेटर एमिनिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन बैक देम अप विथ मच मोर फर। मैंने अपने इलाके में दो चार बंदों के लिए जो मान लिया उनको कोई यूनिट इंस्टॉल ग्राइंडिंग बट युवा रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, हमें रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, हम उसकी बुनियाद पर जाके उस ग्रुप को देखेंगे, उस जगह को इंस्पेक्ट। सो द युवा रोल इज समथिंग डिफरेंट, हम लोग ये आपको इसलिए अप्लाई करवा रहे हैं कि भाई स्कीमें हैं, अब ग्रुप बनाने का काम इनको तो नहीं, इनको उतना टाइम डी आर है एंड देन वी आर हैविंग डाउन बिलो द लाइन ए आर दे आर गेट्स, तो वो उसमें जाके ग्रास रूट लेवल को आप डिप्लोमेट एनवायरनमेंट क्रिएट कर। तो यहाँ का जो मौसम था, यहाँ का मौसम ये देखा गया कि ये वूल प्रोडक्शन के लिए शीप सेक्टर था, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, एब्रिडेशन हुई, तो एक ब्रीड का ब्रीड है, यहाँ की वो प्रोडक्शन बढ़ती गई और उसकी क्वालिटी इंडिया की सबसे बेस्ट। 2009 में हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी डिपार्टमेंट में, तो उस टाइम वूल का जो कास्ट था 150 रुपीज था पर फोकस रहे। इसी अनुसार जितनी भी स्कीम आई, इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम, जिस पर मैं सबसे पहले पहला कंपोनेंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शीप यूनिट्स ऑन पार्टिसिपेटरी मोड। पार्टिसिपेटरी मोड का मतलब आज का जो ये प्रोग्राम यहाँ पे कन्वर्जेंस एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट है, वो इस बेसिक मुद्दा से किया गया कि जो हमारी स्कीम्स है अक्रॉस द बोर्ड तमाम डिपार्टमेंट्स की, वो किस तरह से हम सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कन्वर्ज करके लोगों की सहूलियत के लिए एक अच्छा सा माहौल बनाए और अवेयरनेस जनरेट करे, ताकि जो लोग हैं उनको तमाम स्कीम्स का फ़ायदा जो है वो अच्छी तरह से मिले और अपने डोर स्टेप पे मिले। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के जो तमाम हमारी जो इकाइयाँ हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, खासकर जो एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है और उसके साथ साथ शीप हस्बेंड्री है, वो उनके साथ मिल के कोऑप्ट करके ये इंश्योर करेंगे कि जो फील्ड में लोग हैं उनकी कैसे मदद की जाए। और इंशाल्लाह इस कन्वर्जेंस कम अवेयरनेस कैंप का नतीजा जो है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मजबूत दिखाई देगा।